ध्यान करने के वो ये है कि ये जो सारा विषय है ये जुड़ा हुआ तो केंद्र सरकार से है, इसमें प्रदेश सरकार का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। प्रदेश सरकार ने तो जो केंद्र में कानून बनेगा उसको फॉलो करना है, या जो कानून बन जाएंगे संभवतः आज ही उस पर वोटिंग होगी तो उस कानून के आधार के ऊपर जो हमारे लिए शेष बचेगा जिसमें कोई शंकाएं दूर करने के लिए हम एडिशनल प्रोविजन कुछ कर सकते हैं तो वो हम स्टेट की ओर से करेंगे। मानो किसी भी इवेंचुअलिटी में किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार की कोई कठिनाई आती है, चाहे वो किसान है, चाहे वो आड़ती है, चाहे कोई भी हितधारक जिसका हित उसमें मानो लगता है कि उसको तकलीफ होनी शुरू होती है, तो हमारे पास सारे रास्ते खुले हैं। जो उस एक्ट की लिमिटेशन है उस लिमिटेशन के अंतर्गत जितना भी हम कर पाएंगे सब काम करेंगे, किसी भी बात को हम मानो पीछे नहीं हटेंगे, किसी के बिजनेस पर आँच नहीं आने देंगे। हाँ, किसी दबाव में किसी एक का हित दूसरे के हित के साथ अगर टकराव खाता है तो उस टकराव को दूर करेंगे, सबके अपने अपने हित ये बने रहें। तो इसमें सबसे पहला तो विषय है कि प्रोक्योरमेंट का जो विषय है, प्रोक्योरमेंट में पहले भी हम घोषणा कर चुके हैं कि ये जो प्रोक्योरमेंट है ये जैसी पहले चल रही थी वैसे ही प्रोक्योरमेंट ये चलती रहेगी। इसमें जो मंडीकरण है, हमारा जो मंडियों की व्यवस्था है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। MSP पर ही खरीदा जाएगा, जो फसलें हम पहले खरीदते हैं वो सब खरीदेंगे। इस बार धान है, बाजरा है, मक्का है, मूंग है, चारों फसलें MSP पर एक एक दाना खरीदा जाएगा, किसी को भी कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। और मैं समझता हूँ कि जैसे पहले मंडियों में सुविधा थी खरीदने की, खरीदार भी खरीदता है, बेचने वाला भी आता है, तो कोई प्राइवेट पहले खरीदता नहीं था। अगर कहीं प्राइवेट खरीदता था कोई तो एक ही उसके ऊपर बंधन था कि चूँकि मार्केट एरिया एक तय होता था, उस मार्केट एरिया के अंदर सारी फसल मंडी में आएगी, बाहर अगर कोई खरीदेगा बेचेगा तो उसके ऊपर भी मंडी के नियम लागू होते थे, यानी मार्केट फीस है, HRDF है, ये सारी चीज़ें उससे ली जाती थी। बिना बताए अगर कोई करता था तो उसके चलान भी होते थे, बहुत बड़ी संख्या में नहीं होते थे लेकिन कहीं कहीं चलान होते थे। अब वो चीज़ें उनसे मुक्त किया है कि अगर बाहर से कोई खेत में से कोई खरीदेगा, गांव से ही खरीदेगा, घर से ही खरीदेगा, उसके ऊपर चालान नहीं होगा, उसको कोई मार्केट फीस या HRDF वो नहीं देना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि MSP से नीचे कैसे खरीदेगा, जब एक तरफ मंडी में MSP पर खरीदने की गारंटी है तो दूसरी तरफ किसान की या किसान नेता जो शंका पैदा कर रहे हैं, क्योंकि वो किसानों की शंका नहीं है, वो इन सो कॉल्ड किसान नेता हैं जो जिनके पीछे राजनीति काम कर रही है, तो राजनीतिक तौर पर उनको भड़का रहे हैं कि बाहर MSP लागू करो। जब MSP हमारे घर में लागू है, बाहर बेचने का कोई उसको विकल्प है नहीं, वो यहाँ के बेचेगा। हाँ, MSP से ऊपर अगर कोई खरीदेगा और बाहर खरीद लेगा तो उसको सुविधा बेचने को भी है, खरीदने को भी है, उसके ऊपर टैक्स भी नहीं लगेगा। तो इसको बिल्कुल समझने की ज़रूरत है कि कहीं इसमें MSP मंडी से बाहर का प्रावधान, क्योंकि केंद्र सरकार भी उसको कर नहीं रही है और करने का उपयोग भी नहीं है, क्योंकि विकल्प MSP का खुला हुआ है। तो इस नाते से एक विषय क्लियर करना है। आज हमने एक सब जगह डिप्टी कमिश्नर्स को एक पत्र लिख दिया है जिसके अंदर साफ ये लिखा है कि हरियाणा गवर्नमेंट इज़ कमिटेड टू फार्मर्स वेलफेयर एंड हैज़ अश्योर्ड दैट द गवर्नमेंट वुड कंटिन्यू प्रोक्योरमेंट ऑफ क्रॉप्स एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP थ्रू द एस्टेब्लिश मंडीज ऑफ हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। बिल्कुल हम कमिटेड हैं और ये सर्कुलर सारा हमने भेज दिया है। इसके अंदर हमारा चाहे फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट है, चाहे स्टेट एजेंसीज हैं जो सब प्रोक्योरमेंट करती हैं, इसमें सारी प्रिपरेशन जो उनको करने के लिए बता दिया है। बल्कि यहाँ तक कि इस बार हमने केंद्र को पत्र लिखा है कि जो प्रोक्योरमेंट का समय है वो 1 अक्टूबर को होता है, लेकिन इस बार हमारी तैयारी है कि हम उसको 25 सितंबर से भी कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर करना होता है इसलिए उनकी परमिशन चाहिए। मुझे लगता है अगर हमको परमिशन मिल गई तो हम उसको 25 सितंबर से ही चालू करेंगे, वरना 1 अक्टूबर से तो चालू होना ही है, वो पहले का प्रावधान है, इसलिए किसी भी प्रकार का कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। हाँ, COVID-19 के हिसाब से जैसे पिछली बार प्रोक्योरमेंट में हमने परचेज सेंटर्स बढ़ाए थे, व्यवस्थाएं अच्छी की थी, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है,
जहाँ प्रोक्योरमेंट जरूरी है वहाँ COVID-19 के प्रति सावधानी बरतना ये भी बहुत ज़रूरी है। हमारा वो भी जीवन मरण का प्रश्न है, तो इसलिए उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नए सेंटर्स, खासकर जो मिलर्स में धान को अगर कोई लेकर के सीधा मिलिंग स्टेशन पर लेकर के आते हैं तो वहाँ आड़ती भी होंगे, हमारी खरीद की व्यवस्था भी होगी। लगभग 150 से 200 इस बार जो मिलिंग स्टेशन या मिल्स हैं, ऐसे मिलर्स के जो प्रेमिसेस हैं वहाँ पर भी ये खरीद की जाएगी, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का इसका उसका ध्यान थोड़ा रखा जा सके और उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। बीच में ही मैं एक बात इसलिए कह रहा हूँ कि बाद में समय कम ना रहे, कोई भी विषय आपके ध्यान में आता है तो आज क्योंकि हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोल रहे हैं तो हमने अभी कुछ टेलीफोन नंबर सर्कुलेट कराए हैं, हमारे नीरज जी का है, फिर इनका दिया है मोहित सोनी का है, ध्रुव का है, ऐसे नंबर सब चले गए ना, तो ऐसे सब नंबर्स पर हम साथ साथ फ़ोन करके कोई प्रश्न है तो हम लिखवा सकते हैं, ताकि फिर मेरे पास वो प्रश्न आ जाएंगे तो मैं उसमें से जितने भी संभव होंगे टाइम की मर्यादा के हिसाब से उनके कुछ उत्तर मैं दे पाऊँगा। तो एक विषय तो ये मैंने क्लियर कर दिया कि किसी प्रकार की कोई कठिनाई इसमें नहीं आने वाली है। कुछ इसमें हमारे आड़ती भाइयों के भी कुछ विषय हैं, उन विषयों पर भी मैं ज़रूर एक चर्चा करना चाहूँगा कि उनकी कुछ, हालांकि कोई नए विषय पहली बार है ऐसा नहीं है, ये हर साल पिछले साल के कुछ पेंडिंग इश्यूज़ वो चलते हैं, कभी दामी कार्ड का विषय है पेंडिंग हो गया, कभी इंटरेस्ट का विषय होता है वो पेंडिंग हो गया, कभी लस्टर लॉस की बात आती है, तो वो हम सेटल कर रहे हैं सारे, उसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई वो आड़ती को नहीं आने देंगे। हमने जहाँ तक इनकी जो दामी का विषय है, ये दामी पिछले साल बाजरा और धान कुल मिलाकर के 252 करोड़ रुपए की दामी बनी थी, वो सारी की सारी पिछले साल की पे कर दी गई है। इस साल गेहूं और सरसों इसमें भी 309 करोड़ रुपया पे किया जा चुका है, 56 करोड़ रुपया भी बाकी है, वो क्योंकि हिसाब किताब करने होते हैं, कुछ इंटरेस्ट के भी हिसाब होते हैं, ताकि किसान को जो पेमेंट लेने लेट दिया है, क्योंकि इस बार आड़तियों के माध्यम से किसान को पेमेंट जाना था और 3 दिन के अंदर देना था उन्होंने, तो कई जगह पर हमें ध्यान में आया कि कहीं 15 दिन, कहीं 20 दिन, कहीं 1 महीना किसानों को पेमेंट लेट दी गई है। पहले ये डाटा हमारे पास नहीं होता था, लेकिन इस बार सॉफ्टवेयर में ये डाटा तैयार कर दिया है, एक एक दिन का हिसाब है, तो ऐसा ये जो 46 करोड़ रुपया बचा है इसमें कुल आड़तियों की तरफ जो ब्याज है ऐसा अनुमान है 29 करोड़ रुपया, लेकिन जब हिसाब किताब लगेगा तो उसमें ये 10-20 करोड़ रुपये का जो हिसाब होगा वो तुरंत एक एक आड़ती का, एक एक मंडी का साथ साथ क्लियर करते जाएंगे। कुछ इंटरेस्ट का जो विषय होता है, जैसे आड़ती ने किसान को लेट दिया है, ऐसे पिछले साल में हमने एक प्रोविजन किया था कि अगर सरकार आड़ती को पैसा लेट देती है तो हम भी 7 दिन के बाद उनको 12% के इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा देंगे, क्योंकि उसका हिसाब किताब आड़तियों ने अभी किया नहीं है, उसका जितना डाटा उपलब्ध हमारे पास होगा आड़ती के पास, सरकार के पास, तो उसको आड़ती के हिसाब से उनका इंटरेस्ट, हमारी कमिटमेंट हम देंगे, क्योंकि उन्होंने डिमांड रखी है कि हमारा वो इंटरेस्ट नहीं दिया गया है, केवल वो अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए जितना डिले है हुआ है, बाकी उनका हिसाब लगा करके और उसको सबको भी दिया जाएगा, इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। जहाँ तक लस्टर लॉस का विषय है, लस्टर लॉस चूँकि प्रति क्विंटल 2019-20 में भी 4.60 रुपये ये वैल्यू कट लगाया गया था, एजेंसियाँ लगाती हैं क्योंकि लस्ट लॉस में उनके यहाँ एक फार्मूला होता है, वो लस्ट लॉस एजेंसी काटती है, हम किसान आड़ती से काटते हैं, आड़ती किसान से काटता है, लेकिन पिछले वर्ष हमने तय किया था कि भले एजेंसियों से हमको मानो सरकार को देना पड़ेगा, केंद्र सरकार को हम देंगे, लेकिन हम आगे आड़ती से या किसान से नहीं लेंगे, तो पिछली बार 19 करोड़ 37 लाख रुपया सरकार ने दिया था, इस बार भी ये जो 4.81 रुपये का वैल्यू कट लगाने की जो इंस्ट्रक्शन आई हुई है उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से 26 करोड़ 28 लाख रुपया बनता है। इसके लिए भी हमारी एक एजेंसी ने उनको पत्र लिख दिया था काटने के लिए, लेकिन विड्रा कर लिया है फेड की ओर से कि अब वो नहीं काटा जाएगा और हरियाणा सरकार ही ये 26 करोड़ 28 लाख रुपया अपनी ओर से देगी, इसमें भी कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। फसलों का जैसे मैंने बताया, मक्का जो है जितना भी है पूरे का पूरा हम और MSP पर ये खरीदेंगे, बाजरा भी खरीदेंगे,
एक इसमें थोड़ा सावधानी हम बरतेंगे, क्योंकि अब ये कांग्रेस के लोग पॉलिटिकल इन चीज़ों को हवा तो देते हैं, लेकिन हमारा इनसे प्रश्न है कि आखिर इनकी सरकार पंजाब में है, इनकी सरकार राजस्थान में है, ये वहाँ प्रोक्योरमेंट क्यों नहीं करते? ना ये मक्का की करते, ना ये बाजरे की करते। और चूंकि मक्का और बाजरा MSP पर हरियाणा सरकार, हम ही अब जब से आए हैं तब से कर रहे हैं, तब से इन प्रांतों के लोग भी अपना मक्का और बाजरा यहाँ ला करके बेचना शुरू कर दिया है। हमने इसमें इस बार थोड़ा सा सख्ती बरती है कि हम दूसरे प्रांतों का मक्का या बाजरा ये हमारे यहाँ नहीं बिकने देंगे, क्योंकि उसका जो लॉस है हम भरपाई करते हैं, तो ये हरियाणा के सरकार यानी किसान का अहित है। हरियाणा के किसान का बाजरा या मक्का पूरा खरीदा जाए ये सुनिश्चित करेंगे, लेकिन बाकी किसी भी प्रांत का हमारे यहाँ के बेचे और वहाँ से लाभ उठाकर ले जाए, इसको हम नहीं होने देंगे। ये मैं अपने किसान भाइयों को भी, आढ़ती भाइयों को भी और इन जनरल पब्लिक को भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमको हमारे प्रदेश का किसान, हमारे प्रदेश के आढ़ती, हमारे प्रदेश के जो हित चिंतक, उन सब की चिंता हमने करनी है, हमने बाकी प्रदेशों की कोई चिंता नहीं करनी है। तो इसलिए बाजरा हो, मक्का हो, ये बाहर से जो लाके कुछ लोगों ने होर्डिंग भी कर ली है बाजरे की खास करके, तो ये इन मंडियों में, साउथ हरियाणा की मंडियों में बिल्कुल ये नहीं होने दिया जाएगा, इसका भी हम लोग ध्यान करेंगे। जहाँ तक इन अध्यादेशों का विषय है, बहुत बार ये सारा विषय स्पष्ट किया जा चुका है, फिर से मैं बताता हूँ कि पूरा देश एक भारत एक कृषि बाजार, इस नाते से ये किया जा रहा है। और ये भूमि, ये जो कृषि बाजार के सुधार हैं, इन कृषि बाजार के सुधारों की बात कोई आज से नहीं चल रही है, वर्षों से चल रही है। और इवन कांग्रेस के समय भी कुछ काम किए गए, कुछ छोड़ दिए गए। आपको ध्यान में होगा जब 2014 से पहले केंद्र में भी सरकार कांग्रेस की थी, हरियाणा में भी कांग्रेस की थी, उस समय फल और सब्जियां इस मार्केटिंग सिस्टम में से, इस एक्ट में से हटाए दिए थे उन्होंने। उन्होंने ही हटाए थे कि कहीं बेचें, कहीं करें, कुछ भी करें, हमारे प्रावधान में नहीं है, ये कांग्रेस ने किया। और तो और इस बार जो लोकसभा का कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो में भी उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि कांग्रेस कृषि क्षेत्र के विकास की योजनाओं और कार्यक्रम को बनाने के लिए एक स्थायी राष्ट्रीय आयोग, कृषि विकास एवं योजना आयोग की स्थापना करेगी, जिसमें किसान, कृषि वैज्ञानिक, कृषि अर्थशास्त्री सम्मिलित होंगे। ये आयोग सरकार को सलाह देगा कि कृषि को व्यवहार्य, प्रतिस्पर्धी और फायदेमंद बनाया जा सके। और उसके लिए उन्होंने नीति और कार्यक्रम में जितने बदल करने की बात है, उन सब के लिए उन्होंने इसके अंदर सिफारिश की है कि हम इसके अंदर सुधार लेकर के आएंगे। ये इस प्रकार का इनका जो मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो के अंदर हम पढ़ करके देखते हैं, तो इस प्रकार से इसमें किया गया है। जहाँ तक सुधार करने की बात है, हम भी हमेशा सुधार करने के लिए तैयार रहे। कांग्रेस ने लिखा है कि कांग्रेस कृषि उपज मंडी समितियों के अधिनियम में संशोधन करेगी, जिससे कृषि उपज के निर्यात और अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगे सभी प्रतिबंध समाप्त किए जाएंगे। अभी कांग्रेस कह रही है, आज जब हम कर रहे हैं आज विरोध कर रही है। सीधा कारण है कि कांग्रेस के पास अब मुद्दे बचे नहीं हैं। ऐसे ऐसे मुद्दे देश के अंदर हल हुए हैं जिसमें जनता को ये लग रहा है कि इस देश को ठीक दिशा देने वाली अगर कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार है। और बिना मुद्दे के जब कोई विषय इनको लगता है कि इसमें से किसी भोले भाले वर्ग को और बहकाया जा सकता है, उसको बहकाने के लिए कुछ भी ये मार्केट में बातें छोड़ते हैं। क्योंकि हमारा किसान देश का, उसको किसी प्रकार से बिना समझाए हुए बहकाना बड़ा आसान है कि भी आपकी मंडी की फसल जो है वो आपकी बिक्री नहीं होगी और आपकी कर्जा यूं चढ़ जाएगा, या आपके जो प्राइवेट लोग हैं वो आपको इस प्रकार से करेंगे, तरह तरह की शंकाएं, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब जब हम कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य हम देंगे, तो बाहर के लोग नहीं देंगे तो बेचना नहीं, उससे ज़्यादा देंगे तो बेचेंगे। आज बासमती है, बासमती पर कोई MSP नहीं है, बासमती MSP से ऊपर बिकती है, हमेशा बाहर ही बिकती है ज़्यादातर। अभी तक ये था कि मंडी के अंदर बिकेगी, बाहर बेचेंगे तो उसको चालान किया जाएगा, अब वो भी छूट हो गई कि बाहर बेचो, जहाँ मर्जी बेचो, 3,000 में बेचो, 2,500 में बेचो। 2 साल पहले जब धान की किस्म जो कौन सी थी, जो MSP से भी नीचे आ गई थी, 1509,
हालांकि 1509 के लिए MSP तय नहीं है, क्योंकि 1509 हमेशा ज़्यादा रेट पर बिकती है, लेकिन कारण ऐसा हुआ कि वो MSP से जो नीचे बिकने लगा तो हमने योजना बनाई, हमने घोषणा की कि नहीं अब 1509 भी जो है MSP से नीचे नहीं बिकने देंगे, तो हमने MSP पर खरीदी। ये अलग बात है कि 2 महीने बाद उसी का रेट फिर ज़्यादा से बढ़ गया, फिर और तेज़ हो गया था। तो हम MSP से नीचे कोई भी किस्म ये नहीं जाने देंगे, चाहे वो नोटिफिकेशन में है चाहे नहीं है। तो इस प्रकार से कांग्रेस की जो दोगली नीतियाँ हैं, इस नीति से सावधान होने के लिए और मैं आग्रह करता हूँ, ये पढ़ने वाला है, आप लोग भी अगर पढ़ेंगे तो कांग्रेस का कृषि के ऊपर मैनिफेस्टो। एक बात जो उन्होंने कही कि किसानों की बिक्री के लिए जो प्राइवेट मंडियों में विवाद हो सकते हैं, इनके हल करने के लिए अभी हमने एक गवर्नमेंट का एक सिस्टम बनाया है, तो एक बात उठाई है कि इसके लिए कुछ सुनिश्चित और तरीका अपनाया जाए। अगर केंद्र सरकार इसमें बनाती है कोई प्रावधान तो बहुत अच्छा है, नहीं बनाती है तो हरियाणा सरकार में इन सब विवादों के कारण से किसान का हित पहले चाहिए। किसान को इस प्रकार के विवाद को निपटाने के लिए अलग से हम जिलानुसार कृषि अदालतें ये बनाएंगे, और कृषि अदालतें बनाने के बाद उसमें योग्य व्यक्तियों को उसमें डिप्यूट किया जाएगा, ताकि किसी प्रकार का जो विवाद है उस विवाद को योग्य समय में जल्दी निपटाया जाए। तो हम किसान के लिए हित में ये भी करेंगे। जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विषय है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में निश्चित रूप से MSP के नीचे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। जो कॉन्ट्रैक्ट होगा फसल का MSP से ऊपर होगा तभी करेंगे, अन्यथा किसान को भी मना करेंगे कि आपको कॉन्ट्रैक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपनी फसल को फसल के मालिक किसान है, किसान मालिक है तो मंडी में ला करके MSP पर बेचेगा। और जहाँ जहाँ अभी तक भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई है किसी प्रकार के विवाद नहीं है। आज भी हरियाणा में कुछ जिलों के अंदर 333 कॉन्ट्रैक्ट ऐसे फार्मिंग हो रही है, जिसके अंदर सिरसा में 1100 एकड़, फतेहाबाद में 350 एकड़, भिवानी में 900 एकड़, गुरुग्राम में 321 एकड़, इतनी ज़मीन पर अभी भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दो हिस्से हैं, एक बिजाई करने से पहले पूरे का पूरा जो उसका लॉस है, जो रिस्क है, जो खामियाजा है, वो सब कॉन्ट्रैक्ट करने वाले व्यक्ति का होगा। बुआई करवाना और फिर उसकी संभाल करना किसान का काम है, कल को कोई नुकसान भी होता है वो भी खरीदार का, फसल भी खरीदार की, रेट उसने जो तय कर दिया वो किसान को मिलेगा। एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऐसी है कि रेट जो है वो जब फसल पैदा हो जाएगी, फसल पैदा होने के बाद फसल का जो मालिक है वो किसान है, उस समय उसका जो रिस्क है वो किसान का है, लेकिन रेट उसका बाद में मिलेगा जब फसल पैदा होगी उस समय की फार्मिंग। अब उस समय पूरे खेत में खड़े खड़े कितनी फसल को फार्मिंग के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट करके ले जा सकता है, ये सब उसके ऊपर निर्भर करता है। तो पूरी छूट दी गई है, और छूट में किसान हमारे यहाँ का जागरूक है, और किसी प्रकार की कोई प्रशिक्षण ट्रेनिंग की बात आएगी तो वो हम देंगे। किसान का जो अहित है वो नहीं होने देंगे, लेकिन एक कम्पिटिटिव बाज़ार के अंदर आ करके कीमत अच्छी मिले, बाज़ार में गुणवत्ता चीज़ों की बढ़े, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के अंदर सहूलत हो, तो इसमें किसान, आढ़ती, व्यापारी सब मिल करके और इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, सरकार की ओर से पूरा इसमें सहयोग किया जाएगा। तो मित्रों, कुल मिलाकर के ये सब विषय ऐसे हैं, हम केवल इतना ही नहीं, प्रोक्योरमेंट और किसान के आज के 3 अध्यादेश का विषय नहीं है, किसानों के हित में जितनी योजनाएं बनाई हैं, मेरा ख्याल है कि हम आसपास के प्रदेशों में सबसे आगे किसानों की योजना बना करके लाए हैं। चाहे वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन का विषय हो, चाहे मेरा पानी मेरी विरासत हो, चाहे भावांतर भरपाई योजना हो, चाहे इरीगेशन में हमने माइक्रो इरीगेशन के नए नए प्रोजेक्ट लगाए हों, चाहे हमने बिजली के अंदर कितने सुधार किए ताकि बिजली की भी किसी प्रकार की कठिनाई उनको ना आए। तो ऐसे इतने सारे विषय, क्योंकि पिछली बार एक बार किसानों के विषय को लेकर के मैंने एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस दिन बताया था कि किसान के सब प्रकार के विषय, उसमें चाहे मुआवजा देने की बात है, कस्टम हायरिंग सेंटर की बात है, FPOs की बात है, जहाँ तक स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात है, एक विषय क्लियर करना जरूरी है, स्वामीनाथन की रिकमेंडेशंस सबकी सब वो लागू हो चुकी हैं। सिर्फ एक बिंदु जो कि स्वामीनाथन ने कहा, जो नीति निर्धारक किसी प्रकार से उसको ठीक नहीं मानते हैं, वो है C2 फार्मूला जो MSP को तय करने का, अर्थात जमीन की कीमत के आधार के ऊपर MSP तय करना,
वो संभव इसलिए नहीं है कि आज हरियाणा में अगर हम लें तो महेंद्रगढ़ जिला ऐसा है जहाँ ज़मीन की कीमत 10 लाख 15 लाख रुपये एकड़ की है, और अगर हम पास में फरीदाबाद जिला, गुड़गांव जिला और रेवाड़ी जिला और इधर आगे आ जाएं झज्जर जिला, तो यहाँ 2 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ रुपए तक की ज़मीन है। तो 2 करोड़ रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक की ज़मीन और एक तरफ 10 लाख 15 लाख रुपए एकड़ की ज़मीन, उसके हिसाब से MSP संभव ही नहीं है एक MSP करना। क्यों? MSP में तो यूनिफॉर्मिटी ज़रूर चाहिए ताकि पूरे प्रदेश में, अब तो एक बाज़ार एक देश हो गया तो पूरे देश में रेट के कंपटीशन आएंगे। इसलिए MSP में ज़मीन की कीमत के आधार मान करके किसी प्रकार का तय करना संभव ही नहीं है। इसलिए जो चीज़ असंभव है उस चीज़ को मानना कभी भी संभव नहीं। आखिर तो स्वामीनाथन की एक रिपोर्ट है, वो कोई कानून नहीं है। उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार सोचती है क्या ठीक है क्या गलत है। 201 रिकमेंडेशंस स्वामीनाथन की सब सिर्फ इस ज़मीन की वैल्यू को छोड़ करके सब लागू की जा चुकी हैं। तो मित्रों, विषय काफ़ी कुछ जो थे वो मैंने बताया, और अंत में तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये महामारी के दिन है। इस महामारी के दिन में सब चीज़ें महत्वपूर्ण होते हुए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जान है तो जहान है। बाद में दूसरा जो वाक्य बोला प्रधानमंत्री जी ने कि जान भी चाहिए जहान भी चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए। तो इसलिए पहले वाक्य के अंतर्गत तो लॉकडाउन हुआ था और दूसरे वाक्य के अंतर्गत अनलॉक हुआ, तो अब अनलॉक के फेज हमारे चल रहे हैं। तो लॉकडाउन अनलॉक दोनों का पर्पस एक ही है कि हमारा जो शरीर ठीक रहे, हमारा सामाजिक जीवन ठीक रहे, हमारा व्यवसायिक जीवन व्यापारिक जीवन ठीक रहे, हमारा औद्योगिक जीवन ठीक रहे, हमारे सब प्रकार के सिस्टम ठीक रहें। तो कोरोना से बचना, सब मिलकर के इस गाड़ी को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, इस बीच में प्रश्न आ गए हैं कुछ। बार बार केंद्र और राज्य सरकार, मनोज कुमार जी पूछते हैं TV18 से कि राज्य सरकार किसानों को भरोसा दिला रही कि MSP खत्म नहीं किया जाएगा, फिर भी कुछ किसान संगठन विपक्षी दल ये मानने के लिए तैयार नहीं है, क्या ये सिर्फ विरोध के लिए विरोध हो रहा है? बिल्कुल ठीक बात है, आपने कहा कि विरोध के लिए विरोध हो रहा है, और हमने जब कहा कि MSP नहीं हो रहा तो कम से कम इस कानून को लागू होने के एक सीज़न का तो कम से कम इंतज़ार कर लें। अगर एक सीज़न तक सब ठीक ठाक चलता है तो आशा बन सकती है कि आगे ठीक चलेगा। इसलिए MSP आखिर किस लिए लागू किया जाता है? MSP इसीलिए है कि किसान को कम से कम उसकी लागत का 50% लाभ ज़्यादा मिले जिसके ऊपर उसकी बिक्री हो। भारत सरकार ने 18 फसलों पर MSP जो लागू किया है उसमें कुछ फसलें तो ऐसी हैं जहाँ 90% का भी लाभ देने की और योजना बनाई गई है, जैसे बाजरा ही है। तो ये तो MSP इसीलिए किसान का हित होगा, लाभ होगा, और जो चीज़ MSP से ऊपर बिके उसकी खुली छूट देनी पड़ेगी। तो इसलिए चूँकि मैंने बताया कि कोई उनके पास मुद्दे नहीं हैं, तो इस मुद्दे को लेकर के लोगों को बहका रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। मंडी से बाहर किसान की फसल की खरीद होगी तो 2% मार्केट फीस और 2% चार्टी सरकार को नहीं मिलेगा, इसके लिए सरकार दोनों रेवेन्यू की भरपाई कैसे करेगी? राजन शर्मा जी पूछते हैं जी हरियाणा से। बात ठीक है कि ये 2% और 2% 4% का रेवेन्यू कुल मिला करके हरियाणा का लगभग 1600 से 1800 करोड़ रुपया हर साल आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई सारी ही बाहर बिक जाएगी, कुछ मंडी में बिकेगी कुछ बाहर बिकेगी। खास करके जो बाहर MSP नहीं मिलेगा और मंडी में MSP मिलेगा तो स्वाभाविक है किसान उसको मंडी में ही लेके आएगा, क्योंकि MSP किसान को मिलना है, और ये 2% और 2% 4% देने का काम ये बायर ने करना है। तो बायर तो वहीं जाएगा जहां उसको चीज़ मिलेगी। इसलिए MSP मंडी में सुरक्षित रहने के कारण से और किसान यहां लेके आएगा, यहां बिक्री होगी। मुझे लगता है कि उसमें से आधे से ज़्यादा 1600 में से 1000 करोड़ रुपया तो आएगा ही आएगा। और अगर मान लो बाहर बिकने की परंपरा आगे बढ़ गई, 500-600 करोड़ रुपया कम हुआ, तो उसके लिए हमने केंद्र सरकार को भी पत्र लिखा हुआ है कि अगर इस प्रकार की कोई स्थिति बनती है तो केंद्र सरकार इसकी भरपाई करे। एक मोटा कैलकुलेशन के आधार पर 673 करोड़ शायद कुछ ऐसा बनाया था, लेकिन कोई आधार नहीं है उसका, सिर्फ अनुमान है। वो तो एक साल बिक्री जब होगी तब जाके पता लगेगा कि बाहर बिक्री से मंडी में कितनी फसल कम आई है और उसकी नुकसान उसकी जो है कितना हुआ, और भरपाई केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, नहीं तो हमारे पास जो बाकी रिसोर्सेज है उसमें से उसको पूरा करेंगे।
इसके कारण से किसी प्रकार के जो विकास का काम है वो हम नहीं रुकने देंगे। मुकेश राजपूत जी पूछते हैं कि स्कूल कब खुलेंगे, अगले 3 महीने का रोड मैप। देखिए, स्कूलों के लिए केंद्र सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होम अफेयर्स ने शायद 22 जुलाई की तारीख तय की है कि 22 सितंबर से हम 50% स्ट्रेंथ के साथ और इस स्कूल को, क्लासेस को चालू कर सकते हैं। तो इसका सीधा अर्थ ये है कि जितने क्लासरूम हमको पहले उपयोग होते थे उससे डबल क्लासरूम चाहिए, डबल टाइम चाहिए, डबल स्टाफ चाहिए। तो उसका क्या क्या प्रावधान होगा ये सारा हमारे डिपार्टमेंट बैठ के विचार कर रहे हैं। लेकिन 22 सितंबर की एक तिथि रखी गई है, अगर उसमें कोई और परिवर्तन होता है तो शिक्षा विभाग से बातचीत करके। लेकिन शिक्षा की कैसे पूर्ति की जाए इससे सब चिंतित हैं। ऑनलाइन शिक्षा के सारे प्रबंध हमारे हो गए हैं, कर दिए हैं, तो भी ऑनलाइन से शिक्षा जितनी प्रत्यक्ष दी जाती है उतनी तो शायद नहीं संभव हो पा रही है। अब इसमें एक दो धाराएं चलेंगी, एक धारा चाहे वो मजबूरी में से निकली है ऑनलाइन शिक्षा की, हो सकता है कुछ विद्यार्थी ऑनलाइन को ही पसंद करना लग जाए, क्योंकि ये निर्भर करता है उनके परिवार की बैकग्राउंड पर, उनके वहाँ कैसा वातावरण एटमोसफियर है उसके ऊपर। हो सकता है कुछ विद्यार्थी ऐसे हों, पहले भी जैसे हायर एजुकेशन के अंदर जो है कौन सी वो ओपन यूनिवर्सिटी और दूर, हाँ दूर दूर दो कौन सी ऑन डिस्टेंस डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन यूनिवर्सिटीज़ कई तरह के प्रावधान ऐसे चले, प्राइवेट एजुकेशन, कॉरस्पॉन्डेंस एजुकेशन। तो ऐसे स्कूल एजुकेशन में भी इस प्रकार के कुछ चीज़ें, स्मार्ट क्लासेज जैसे लगने की बात है उसके अंदर भी हो सकता है। हो सकता है शहरों में गाँव में अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएँ बने, लेकिन वो कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, जैसी आवश्यकता है वैसा उसके अंदर आगे बढ़ेंगे। किसानों के बीच अभी भी अध्यादेश को लेकर कन्फ्यूज़न है, ऐसे में गतिरोध बनता दिख रहा है, किसानों का अध्यादेश समझाने और भ्रांतियों दूर करने के लिए सरकार क्या करने जा रही है? विपिन कुमार जी, इंडिया न्यूज़। देखिए, बात ठीक है कि कांग्रेस ने इसको एक गलत दिशा में डाल दिया, हालांकि शुरू में ऐसा ये बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब वो जो किसान संगठन है उसमें भी खुली सपोर्ट जो होती है वो एक कांग्रेस पार्टी ने उसको किया है। नहीं करना चाहिए था, ऐसी चीज़ों में राजनीति नहीं आनी चाहिए थी। हमने ये ठीक है कि शायद कांग्रेस इसमें न कूदती तो इस प्रकार के गंभीर बातें न होती, लेकिन जैसे ही थोड़ा गंभीर हुआ तो हमारे लोगों ने जनता में जाकर, किसानों में जाकर अपनी बातचीत करनी शुरू की। आज निश्चित रूप से किसानों में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो ये कहता है कि अध्यादेश किसान के हित में है, खास करके जो हमारे प्रोग्रेसिव किसान हैं, खास करके जो हमारे FPOs हैं। तो इस ओर आगे बढ़ रहे हैं लोग कि इस प्रकार के कामों से किसान का भला हो सकता है, उसको दाम अच्छा मिल सकता है और उसको स्वतंत्रता मिली है। स्वतंत्रता में पहले उसके पास एक रास्ता था, अब उसको दो रास्ते मिले हैं। दूसरा रास्ता एक एडिशनल है, पहला कोई बंद नहीं हुआ है। तो इसलिए जो एक के दो रास्ते मिले हैं तो इसमें कोई कारण नहीं है कि किसान को और कोई तकलीफ होती हो। हाँ, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि अध्यादेश क्या है, प्रावधान क्या है, और वो जैसे पीछे लगने के विषय होते हैं तो लोग लग लेते हैं। आज जब ये एक 10 तारीख का, कब था ये उनका जो आंदोलन, 10 तारीख का था, तो 10 तारीख का तो लोगों को पता नहीं था, लेकिन उसके बाद जो रिस्पांस आगे उनको मिलना चाहिए था कहीं कोई मिलने ना धरने में, प्रदर्शन में, बल्कि बहुत लोग दूसरे प्रकार के भी आए हैं जो हमारे पास संदेश भेज रहे हैं कि इन अध्यादेशों को लागू कराया जाए। अब ये समय के हिसाब से सारी चीज़ें क्लियर होंगी, इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। कोविड पोस्टर्स महावीर सैनी जी कह रहे हैं कि पंजाब चंडीगढ़ में हैं, हाँ मनवीर सैनी जी, के डिसकंटिन्यूड सिस्टम ऑफ पेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पोस्टर, डज हरियाणा हैज एनी सच प्लान ऑफ डिसकंटिन्यूइंग दिस। अब देखिए, ये तो हर प्रदेश की अपनी अपनी पॉलिसी रहती है, योजना रहती है, एक टेम्परेरी विषय है, कोई लंबे तो नहीं है। वो पोस्टर लगाने का हेतु तो केवल इतना ही था कि लोग जो हैं एक डिस्टेंसिंग ये रखें, डिस्टेंसिंग माने सोशल डिस्टेंसिंग। अब वो डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग तक तो ठीक था, लेकिन कहीं कहीं ऐसे उदाहरण आ गए कि उसको अनटचेबिलिटी तक लोग ले गए कि भी यहाँ पोस्टर लग गया तो बिल्कुल अनटचेबल जैसे हो गए। वो स्थिति अब नहीं है, और अब उस प्रकार के कोई बहुत सख्ती से इसको लागू की भी नहीं किया जा रहा है। हाँ, कहीं कहीं क्योंकि इंस्ट्रक्शन है लागू करने की तो कहीं लागू करते भी हैं।
अब जैसे पंजाब ने और चंडीगढ़ ने इसको डिसकंटिन्यू किया है, हम भी अपनी मीटिंग में विचार करेंगे कि इसके ऊपर कोई निर्णय लेने की आवश्यकता होगी तो अदरवाइज भी हम ले सकते हैं। राकेश गुप्ता जी बता रहे हैं कि आढ़तियों का आरोप है कि गेहूं की कमीशन अभी तक नहीं मिली है। कमीशन ये मैंने उत्तर दे दिया है सारा कि सारी दामी जो है लगभग 49-52 करोड़ रुपये बाकी बची है, उसमें भी चूँकि कुछ इंटरेस्ट का और उनका कैलकुलेशन का हिसाब किताब है, वो कैलकुलेशन करेंगे और उसमें से उनको एक एक पैसे का हिसाब दिया जाएगा। किसी का कोई पैसा पिछले साल भी नहीं रोका, अभी भी नहीं रोकेंगे, लेकिन ये हिसाब ऐसे होते हैं, ये लगातार करने में 4-6 महीने समय लगता है, तो वो समय जो लग रहा है साथ साथ